तो हेलो दोस्तों, ये है हमारा 28 दिसंबर का बैच। कौन सा बैच है? 28 दिसंबर। आज इनका मैं बताना चाहूंगा, आज इनका खत्म हुआ है सॉफ्टवेयर की क्लास, तो आज ये चलेगा रिव्यू। जैसे आपने देखा होगा कि हार्डवेयर में इनका देखा होगा, वैसे आज आप देख रहे हैं इनका सॉफ्टवेयर का रिव्यू। तो चलिए दो मिनट इनसे लेते हैं, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो जो सोच के आए थे वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, हमारे पास एक स्टूडेंट है, खड़े हो जाइए। तो चलिए, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? नेपाल से। अच्छा, आप नेपाल से। एम बहादुर जी, आप हमें ये बताइए, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे या नहीं करते थे? नहीं करते थे। आप अब कैसा लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर, जो आपने सोचा था कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो अभी आप सीख पाएंगे नहीं? मुझे लग रहा था इससे पहले कि सॉफ्टवेयर में नहीं करता था, हार्डवेयर ओनली करता था। जी जी, मुझे बहुत हार्ड लगता था सॉफ्टवेयर में, वो तो बहुत सारे टूल होते हैं, ये यूज करना पड़ता है, मतलब बहुत डीपली, मतलब दिमाग खराब हो जाता था। जी, अभी, अभी आपने जो इजी वॉइस से बताया ना, तो मुझे बहुत आसान हो गया, मतलब चार पांच टूल है, दो टूल से। आपने टूल का नाम नहीं बताना है, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल आपको यूज करना है, कौन सा टूल आपको यूज नहीं करना है। तो बेसिकली कैसा रहा ओवरऑल आपका सफर? एकदम बढ़िया रहा सर, और इजी हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर करना इजी हो गया। चलिए, हमारे पास एक स्टूडेंट और है, और हम यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए आपको ओवरऑल हम बात करें, आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट थे, तो क्या आपको देख करके कोई फ्रेशर स्टूडेंट अगर देख रहा है तो क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? आप जो सोचे थे आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए? तो चलिए ठीक है, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? मैं रोशन बहादुर, मैं नेपाल से। अच्छा, आप भी नेपाल के साथ में आए क्या? हाँ सर। अच्छा, एम बहादुर के साथ में आए, तो बताइए ओवरऑल कैसा, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में कि नहीं करते? सर, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तो इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम नहीं करते थे, बिल्कुल फ्रेशर थे, तो अभी आप फ्रेशर है कि नहीं? नहीं सर, आप तो कर लूंगा सर। अगर हम आपसे बात की जाए कि यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट को और जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनको अलग अलग बैठा जाता है? नहीं सर, सबको एक समान बैठाया जाता है ना, सबको एक तरीके का बताया जाता है, किसी को अलग बताया जाता है। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? यूपी से है सोहेल जी। तो बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे नहीं करते? नहीं कर रहे थे, तो क्या डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? सॉफ्टवेयर बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ था? बहुत हार्ड लगता है सर, अभी इजी लग रहा है। इजी लग रहा है, इजी मतलब जो आप सोचे थे कि सॉफ्टवेयर हम सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो अभी आप सीख पाए कि नहीं पाए? कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर। तो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो आ सकता है सीखने की नहीं सीख सकता? सीख सकता है। आप जो सोचे थे वो सीखे आप? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, इंजीनियरिंग कर दिया। चलिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? चंद्रशेखर मेरा नाम है, मैं झारखंड गुड्डा से। तो वही आपसे भी सवाल है कि आप फ्रेशर थे या पहले से काम कर रहे थे? सर मैं फ्रेशर। तो अब अभी भी फ्रेशर है? नहीं सर, फ्रेशर। अब फ्रेशर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में पहले डर लगता था, जाहिर सी बात है, मार्केट में पहले आप काम कराते थे, अब आप मार्केट का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे सर, पहले बहुत डर लगता था सर कि सॉफ्टवेयर है कैसा क्या होगा, लेकिन अब बहुत आसान है सर, बहुत इजी हो गया। बहुत इजी हुआ है। तो इजी आपको यहाँ पे सारा चीज प्रैक्टिकल बताया गया, केवल बस थ्योरी बता दी गई? सर प्रैक्टिकल करके बताया गया। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम अब्दुल राजू है, मैं आसाम से हूँ। अच्छा, आप आसाम से। तो अब भी बताइए, पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं करते? नहीं सर, मैं नहीं किया। नहीं करते थे, तो बताइए हमें आप एक बात बताइए, सॉफ्टवेयर आपको हार्ड लगता था? बहुत हार्ड लगता। जब आप यहाँ पे एसी टेलीकॉम ज्वाइन किए थे तो क्या सोचे थे कि अरे यार सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कैसा सिखाया जाएगा? तो अभी आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो अभी सर ने जो बोला खरीदने के लिए, मैं खरीद के लाकर यहाँ पर आके मैंने सीखा उसको कैसे यूज करना है। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। yes. तो जो आपको फ्रेशर स्टूडेंट आसाम से देख रहे हैं, तो क्या उनको इससे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए? आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो सोचे थे वो आपको मिल रहा है? हाँ सर, 100% मिल गया है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मेरा नाम सुनील है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? और ये गुजरात तो एक अच्छी सिटी है और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे। तो बताइए ओवरऑल आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? नहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं करता, हार्डवेयर थोड़ा बहुत। हार्डवेयर में काम करते थे, तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर का काम आप बाहर देते होंगे, तो अब आप बाहर देंगे कि आप खुद से करेंगे? नहीं, बाहर वालों का अभी अपनी मैं करूंगा, अपने पास आएगा। तो जो डर लगता है फाइल से डेड ना हो जाए, कहीं वो गलत फाइल ना चढ़ जाए, तो उसमें अब डर है क्या अंदर? नहीं अभी बिल्कुल डर नहीं। फाइलों का सही चूज नॉलेज, कैसे फाइल को देना है, क्या देना है, लाइव प्रैक्टिकल आपको मिला है? हाँ सब कुछ प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा टेलीकॉम ज्वाइन करने? बहुत बढ़िया रहा सर। जो आपने सोचा था वो पूरा हुआ कि नहीं? उससे भी ज्यादा मिल गया, उससे ज्यादा भी हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
चलिए तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से? अच्छा, आप पंजाब से आप आए हैं, पंजाब भी बहुत अच्छी सिटी है। तो चलिए, ओवरऑल आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? सर करते थे। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? सॉफ्टवेयर में है 10-12 साल का एक्सपीरियंस, जैसा कि आप देख सकते हैं 10-12 साल का एक्सपीरियंस। तो चलिए आपसे छोटा सा सवाल कि 10-12 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस केवल? सर यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमारे को कुछ नया मिला है, जो पहले सॉफ्टवेयर में करने को थोड़ा डर लगता था। जी जी जी, वो डर खुल गया। तो कहाँ पे फंसते थे थोड़ा ओवरऑल, मतलब कहाँ पे दिक्कत आती थी कि आपको लगा कि ऐसे टेलीकॉम में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एमएमसी करना चाहिए? सर जैसे कई सेट ऐसे आते थे जिनके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं थी कि ये फ्लैश करेंगे तो डेड हो जाएगा। जी जी जी। तो अब वो डर नहीं है, ऑफलाइन ऑफलाइन का मसला खत्म हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन का बिल्कुल खत्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसे है? जैसे आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट है, क्या उनको सही गाइडलाइन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? एकदम बिल्कुल सही गाइडलाइन दी जा रही है। तो कोई भी फ्रेशर बंदा यहाँ पे सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? कश्मीर से हैं। तो चलिए, आपने जो एसए टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया था और वो एक्चुअल में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? हाँ सर, पूरा करते। कितने सालों से कर रहे थे? 4-5 साल। 4-5 साल का एक्सपीरियंस, वो भी आपसे भी वही सवाल, 4-5 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीन्स कुछ नया सीखने को मिला? सब कुछ नया मिला। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब वाला ज्ञान तो नहीं है? यूट्यूब से हटके है कि नहीं है? तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। आप जो सोचे थे कुछ नया मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? प्यार मंसूरी, एमपी से। एमपी से है। तो चलिए, आप भी बताइए, इस फील्ड में सॉफ्टवेयर काम करते थे या नहीं करते? बिल्कुल फ्रेशर थे। अभी दिल से सच बताइए, फ्रेशर है कि काम कर लेंगे अभी? बिल्कुल सर, पूरा काम कर लेंगे। किसी भी फोन का अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दिया जाए तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट। साथ एक स्टूडेंट और है, और अपना आप कहाँ से, अपना नाम बताइए। राजू यादव जी, आप देख सकते हैं बॉम्बे से हैं ये, थोड़ा सा इनको बात करने में दिक्कत होती है हल्का सा। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सॉफ्टवेयर का, छोटा सा? अच्छा रहा सर। जो आप सोचे थे कि अरे माइंड में एक सेट था, आपने पहले भी बता चुका है हार्डवेयर में हमें ये सारी चीजें दिक्कत हुई थी, हम बात में रिपीट नहीं करेंगे, पर ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली क्या सर, ये जो जी जी सॉफ्टवेयर का मैंने कल सुना था नाम नहीं, ये सॉफ्टवेयर पे होता है, लेकिन आज हमको हो गया मालूम कि एक्चुअली यहाँ की मतलब सॉफ्टवेयर होता है। डर लग रहा था? हाँ सर। अब वो डर अंदर से निकला कि नहीं निकला सर? चलिए, राजू के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। आने के बाद मैं इनको बताना चाहता हूँ, बात करने में दिक्कत है, बाकी ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर, गुड रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? मैं इलंगोए, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आप इतनी दूर ऐसे टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया था? अपडेट होने के लिए। आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? सॉफ्टवेयर में काम नहीं करते थे, मार्केट में देते थे, बाहर देते थे आप? तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी आपका? कर लेंगे अभी आप, ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई मसला तो नहीं यहाँ पे, लाइव प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कर, बैठ जाइए। थैंक यू। अरे हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। तो बताइए, पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे कि नहीं करते थे? फ्रेशर। बिल्कुल फ्रेशर थे। तो अभी भी फ्रेशर है क्या? नहीं सर, काम सीखा। काम सीख रहे हैं। कैसा लगा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका? तो आसान से तरीके से सिखाते हैं, जो जल्दी सीख जाते। तो जो आपको यहाँ पे ओवरऑल बताया गया, तो वो आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे पूरा कवर करो ना। चलिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम और कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से है। तो चलिए, आप भी फ्रेशर थे, साथ में हैं? नहीं, हम फ्रेशर नहीं हैं। अच्छा, आप साथ में हैं एक दूसरे के साथ में। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जो आप सोचे थे कि यार सॉफ्टवेयर बहुत हार्ड है, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें होती है, तो अभी इजी हुआ कि नहीं हुआ? इजी हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? जी सर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था पहले। जी जी, बहुत बढ़िया बताया गया है, इसे बहुत आसान तरीके से समझाया गया। तो ओवरऑल जो आपने सोचा था कि हम वहाँ पे एसए टेलीकॉम ज्वाइन कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का कंसेप्ट है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, डर लगता था, दूसरे से कराते थे कर नहीं पाते थे। जी जी जी, अब बहुत अच्छा नॉलेज है, खुद से करेंगे। खुद से करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे करने को मिलता है कि नहीं मिलता? जी सर, अपने से ही लाइव प्रैक्टिकल कराया था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम रोहित है, मैं भोपाल से। अच्छा रोहित, इससे पहले आप मोबाइल फील्ड में काम कर रहे थे? जी सर। तो सॉफ्टवेयर का भी काम कर रहे थे? सॉफ्टवेयर का नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे थे?
आता नहीं था। अभी आपको कोई भी फोन दे दिया जाए अनलॉकिंग के लिए या फिर फ्लैशिंग के लिए तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है ओवरऑल अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही सारी चीज? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इधर कर लीजिए, आ जाओ इधर। हमारे साथ स्टूडेंट हो रहे हैं, अपना नाम और कहाँ से आप? हाँ सर, मैं नितिन, पुणे से, महाराष्ट्र। अच्छा, आप पुणे से इतनी दूर, क्या सोच के ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन किया था? मतलब क्या सोचा कि चलो ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं, क्या पता वहाँ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर, सोचा तो था उधर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आया था वैसे ही करके। पहले आपकी देव सर के साथ क्लास हुई, फिर हमारे साथ हुई, फिर मिलन सर के साथ क्लास होगी, तो कैसा रहा ओवरऑल अभी तक का आपका सफर? सर अभी तक तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सॉफ्टवेयर मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इधर आने के बाद अभी बोल रहा है कि कौन सा भी मोबाइल आने के बाद मैं सॉफ्टवेयर करूंगा। कर लेंगे जी सर। ये दिल से बोल रहे हैं कि आपको ये जो आउटपुट दे रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कोई दबाव में आकर के दे रहे हैं सारे स्टूडेंट? नहीं सर, दबाव में कुछ नहीं, जो दे रहे अपने मन से दे रहे, जो कुछ सिखाया सर ने, सर ने वही बता रहे। ये सारा कुछ आपको लाइव मिल रहा है? हाँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? सर मैं गुरदासपुर से। गुरदासपुर से, तो चलिए ओवरऑल आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? कितने सालों से कर रहे हैं? पाँच छह साल का एक्सपीरियंस हो रही है, चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए। सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कौन सी फाइल लेनी है, कौन सा टूल लेना है, बहुत अच्छे से बताया गया। सैमसंग में ज्यादातर लोग फंसते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है या आप या और कोई कोई भी बंदा फंसेगा, कितने समय फाइंड आउट कर पाएगा? सर बहुत जल्दी कर पाएगा, बहुत जल्दी कर पाएगा। बाइनरी की प्रॉब्लम होती है, वो अभी नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है, क्या उनको सही से गाइडलाइन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? बिल्कुल सही से। तो ओवरऑल क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप इस फील्ड में काम कर चुके हो, तो जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा? बहुत बढ़िया था सर, इतनी नॉलेज में बिल्कुल कंप्लीट बनना सॉफ्टवेयर काम कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? अबुल बशर, बिहार से। बिहार से, तो चलिए आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं करते थे? जी सर कर रहे। करते थे। कितने सालों से कर रहे? दो साल से। दो साल का एक्सपीरियंस और ये चार दिन का, कहाँ फंसते थे चलिए आप ये बताइए? सर बहुत सारे सेट में गलत फाइल चढ़ा देते थे, जिससे डेड हो जाता था। जी जी, आईएमआई का मतलब दिक्कत आता था, आईफोन फ्लैशिंग नहीं कर पा रहे थे, वो भी यहाँ पे सीखने को मिला। जी जी जी, फ्लैशिंग कर लेंगे। तो बहुत हार्ड लगा आईफोन की फ्लैशिंग? नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे जैसा आप बता रहे थे जो प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो आगे चल के प्रॉब्लम होगी क्या सर? जो गलती करते थे दोबारा से रिपीट गलती होगी क्या सर? कैसा रहा ओवरऑल अभी तक सॉफ्टवेयर का? अच्छा लगा सर, पढ़ाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है, समझ में आ रही सारी कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, बैठ जाइए यहीं पे, बैठ जाइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? चंद्रिका प्रसाद, बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से आप आए हैं, तो आपने एस एन टेलीकॉम ओवरऑल ज्वाइन किया, तो क्या सोच के, मतलब जो सोचा था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पढ़ के मिल रहा है। तो आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। ब्लॉग वगैरह खोलते थे, बाईपास करते थे, बाईपास करते थे, यूट्यूब से देख कर रहे थे। तो अब कोई भी, चाहे वो ऑनलाइन, चाहे वो लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन, का कोई मसला रहा का? नहीं सर। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। आप जो सोचे तो सीखने को मिला, उससे बढ़ के मिला, उससे बढ़ के मिला। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? यूपी से है। तो चलिए ओवरऑल सॉफ्टवेयर का कितने सालों का एक्सपीरियंस है? चलिए अभी तो बहुत बड़ी बात है, 18 साल का एक्सपीरियंस, जो कि पहले बहुत सारे डोंगल जो अभी आप नाम भी शायद नहीं जानते होंगे उसमें, तो ये वो जी जी जी। तो चलिए ओवरऑल आप हमें बताइए 18 साल का एक्सपीरियंस, हम थोड़ी सी और बातें भी करेंगे आपसे, और ये चार दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और सही बात है, इससे जितने दूर पुराने है ना, तो क्या बच्चों की जो गाइडलाइन है मेरी, उसने पकड़ लिया है। अगर मान लीजिए कुछ गलत भी बताएंगे तो पकड़ने वाले लोग बैठे जी जी बैठे हुए हैं। तो क्या कैसा पढ़ाया गया? बहुत अच्छा था, इसके लिए मैं बोलूंगा बहुत अच्छा ही, और नॉलेज इस तरह का दिया गया कि बच्चा अगर बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल कभी आज तक लैपटॉप भी नहीं चलाया, तो हमने इनसे लैपटॉप चलवाया और पकड़ भी लेते हैं बच्चे, उनको देखा गया पैकेट में कि बच्चे बताया। मतलब आपके अनुसार जो फ्रेशर बंदा आपको देख रहा है जी, तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है? नहीं कर सकता आराम से, जो बता रहा है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं अभी, उनके स्केटर नहीं मालूम है, ट्रेलियन नहीं मालूम है, सब फाइल के बारे में तीन दिन चार दिन में जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर का एरर जो लाइव हमने देखा, बहुत सारे आते थे ड्राइवर के, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल हमने देखा कि नहीं देखा। ओवरऑल आपकी अगर बात करें तो आपको भी कुछ नया मिला या नहीं मिला? चार पॉइंट हमको जरूर नया मिला, नया मिला तो उतना मिल गया, मतलब 18 साल बहुत ज्यादा होता है, बहुत होता है, एक पॉइंट ही बहुत ज्यादा होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम कहाँ से आप? मोहसिन, यूपी से। यूपी से, तो बताइए इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे या नहीं करते थे? करते थे। कितने सालों से कर रहे? चार साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस, बताइए। जी सर बराबर है। बराबर है, मतलब बराबर है, मतलब चार साल लगेंगे इनको? नहीं, ये सब जो फ्रेशर स्टूडेंट थे वो आज हमारे बराबर हैं। अच्छा, ये उनके कहने मतलब वो बराबर हो गए, तो ऐसा नहीं कि जो पहले से काम जानते हैं उनको अलग पढ़ाया जा रहा हो और जो कम फ्रेशर उनको अलग पढ़ाया जा रहा है? नहीं सर, सबको एक जैसा ही। तो कैसा लगा ये चार साल पहले आपको नॉलेज मिल जाती थी?
तो सर आसान था थोड़ा थोड़ा और आसान हो जाता। कहाँ पे फंस रहे थे आप? फंस रहे थे सर एफआरपी वगैरह नहीं होती। अच्छा एफआरपी का कुछ नया ट्रिक देखा आप लोगों ने? सर वो आज सर एक सैमसंग का नया एफआरपी ट्रिक मिला, वो हमने कहीं यूट्यूब में भी नहीं देखा था। नहीं देखा था जी सर, वो मिला जी सर। और जो हम लाइव बोलते हैं कि एक सेकंड में एफआरपी हम जॉब डन कर सकते हैं, एक सेकंड में होता है ये आप ऐसा तो नहीं जो कुछ घूस उस लेकर? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। चाय समोसा तो नहीं खिला दिया सर ने लग से? ऐसा तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, अपना नाम और कहाँ से? आरिफ खान, राजस्थान। तो आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से फुल कोर्स आपने ज्वाइन किया, जो आपने सोचा था यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है, यहाँ पे ओवरऑल सारे टीचर का सपोर्ट कैसा है? तो क्या आपने जो सॉफ्टवेयर सोचा था आपने सॉफ्टवेयर अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा। आपने जो सोचा था सीख पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, और आंध्र प्रदेश इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया, और वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने छह महीने से देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहे हैं जी। इधर पढ़ने का तरीका वो अलग है, सिस्टम भी सब देख रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। ओके, तो जो आपने सोच रहे थे सॉफ्टवेयर का काम, जो आप सॉफ्टवेयर का काम सोच रहे थे आप पहले करते थे? इससे पहले यूट्यूब पर गया था, वो भी एक बार आम होगा एक बार डेड होगा, सिक्योरिटी नहीं थी। अब अगर आप कोई भी फोन अगर आप उठाते हैं फ्लैशिंग का या अनलॉकिंग का, तो उसमें सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी? 100% सर। तो ये सारा मैं तो ऑनलाइन करवाने वाला था जी ऑनलाइन ऑफ, तो ऑफलाइन ऑफलाइन का कोई मसला तो नहीं रहा यहाँ पे? सब ऑफलाइन में हो जाएगा। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक लास्ट स्टूडेंट, अपना नाम और कहाँ से आप? मैं सर पंकज जम्मू से। पंकज जी बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 8-10 साल का एक्सपीरियंस। तो आपसे मैं कुछ अलग पूछना चाहूंगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट है क्या वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। कैसे उनको गाइडलाइन दी जा रही है? बढ़िया गाइडलाइन दी रही, जो हमें सर 8-10 साल में कर रहे थे जो, वो 4 दिन में देखने को मिला। 4 दिन में देखने को पॉसिबल है यहाँ पे? बिल्कुल पॉसिबल। फ्रेशर बंदा यहाँ पे सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है, वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, वो ना सीखना चाहे तो जाहिर सी बात है। आप जो मतलब से आते हो, हमें 10 सालों में नॉलेज नहीं मिला, वो 4 दिन में। आपको ओवरऑल कुछ नया मिला? बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल मिला। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? विप्लव दास, आसाम से। आसाम से है, तो बताइए कैसा रहा अभी तक का सफर आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मीन्स आप पहले सॉफ्टवेयर काम करते थे? करते थे, पर बहुत सारे मतलब अटक जाते। अटक कहाँ पे फंस रहे थे बताइए, खुल के बताइए यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कोई स्क्रिप्ट वाला मैसेज हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? बहुत जगह मतलब ईरो रहता था जी, उसका मतलब भी समझ में नहीं आता जी। कहाँ से आ रहे? अब यहाँ पे लाइव एरर की बस आया, फ्लैशिंग करके दिखा दिया, एरर उरर यहाँ पे दिखाया जा रहा था? हाँ दिखाया जा रहा सब कुछ, वो सामने ही सामने शॉर्ट आउट कर रहे थे मतलब ये अभी पता चल गया वो किस लिए एरर आ रहा है, किस लिए एरर आ रहा है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, मतलब बोल नहीं सकते। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उसको रोक लीजिए फिर उसका। तो गाइस ओवरऑल आपने देखा यहाँ पे सारे स्टूडेंट का हमने रिव्यू लिया, इनका सॉफ्टवेयर आज कंप्लीट हुआ है। तो कैसा रहा ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्लास? बहुत बढ़िया, मतलब हर एक चीज प्रैक्टिकल में मिली कि नहीं मिली? yes, तो प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो सैमसंग में जो फंसते हैं फाइलों में फंसते हैं, बैंड्री नहीं पहचान पाते, अब कितने टाइम में बैंड्री पहचान जाएंगे? 2 मिनट में पहचान जाएंगे बैंड्री। मैं सच बताऊं तो 2 मिनट भी लगेंगे क्या? ये सच बोल रहे हैं आप? yes, जो आपने यहाँ पे लाइव आपने बताया है, हर एक स्टूडेंट से हमने लाइव यहाँ पे पूछा है, तो क्या एक्चुअल में सभी ने सही रिव्यू दिया या फिर बुलवाया गया आपसे? सही रिव्यू दिया है। जो आपने सोच के रखा था यार सॉफ्टवेयर जाएंगे इतना हार्ड लगेगा ये लगेगा, तो क्या एक्चुअल में हार्ड था क्या? नहीं सर। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? चलिए उसके लिए नोट्स हमने लास्ट में बनवाए थे आपसे, दिखा दीजिए फटाफट। तो क्या था लास्ट में, अब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। तो फटाफट लाइव दिखा दीजिए सभी लोग, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आप यहाँ पे ओवरऑल सभी स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, क्या एक पेज में सारा सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? यस सर। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ पे पॉसिबल है। चलिए लास्ट में अब यही बोलना चाहेंगे, जहां से भी आप लोग आए होंगे तो लास्ट का इंडिया का नंबर स्टूडेंट कौन है, तो ये वाकई में है कि नहीं है? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच।